हेलो मित्रों, तो मैं अंशु मैंने हम लोग भाई बात करते हैं भाई विनेश फोगाट के बारे में। एंड अगर आपको भाई नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं भाई, जो कि विनेश फोगाट है भाई वो ओलंपिक्स में यार आगे भाई नहीं बढ़ सकती। बेसिकली भाई उनको कुछ हेल्थ इशू हो चुका है। एंड बेसिकली भाई उनके कुछ 50 kg भाई होना चाहिए था वेट, बट भाई वो थोड़ा बहुत 100 ग्राम्स का आगे पीछे हो चुका है। एंड बेसिकली इस वजह से भाई वो आगे भाई ओलंपिक्स में नहीं जा सकती। बट अभी के टाइम पर भाई काफ़ी लोग यार अपील कर रहे हैं, जो कि यार भाई विनेश फोगाट है भाई उनको कम से कम यार भाई सिल्वर तो मिलना चाहिए। एंड उस सब पर भाई अपील करते हुए जो कि यार भाई अंकित भैयापुरिया यार भाई वो भी एक इंस्टाग्राम स्टोरी को डालते हैं। एंड बाकी वो क्या कहे देखो आप। करण है तो भाई आज सोशल मीडिया चला लिया मना से ठीक ठाक सा है। और आज मैंने ट्विटर भी चला देख ला था कौन के चल रहा है उधर। तो मैं देख ला रहा था बहुत सारे लोग जिनने स्पोर्ट्स की नॉलेज भी जीरो है, जिनने नु है ना बेरा ओलंपिक क्वालिफाई भी क्यों करवाया रहे। और इसमें मोस्ट ऑफ द लोग इसे हैं जिनने ना बेरा ओलंपिक क्वालिफाई क्यों करवाया रहे। वे लोग सलाह देना अगर एक नू कर लेती नू कर लेती तो भाई इसे सपोर्ट ना कर सकते हैं। तो बकवास बात मत करो। मैं देख ला रहा मतलब बहुत सारे लोग राज्य भी इस चीज़ पर पता भाई बहुत शर्म की बात है। अगर तुम अपने देश का एक मेडल जो खराब हुआ जिसने मतलब इतना वो जो उसने वह चीज़ करी है ना विनेश फोगाट ने, वह एक इतिहास में लिखी गई बात है। वह तो उसने जो पहली कुश्ती लड़ी उस टाइम पर वो हिस्टोरिकल मोमेंट था, पर जो आदमी उस चीज़ पर भी उस मतलब कुछ ना कुछ कमी का डलना रहे नहीं भी, तो भाई शर्मा थोड़ा सा शर्मा है ना, तो थोड़ी बहुत भी शर्म बच रही होने। एंड अपनी अगली स्टोरी में अंकित बैनपुरिया भाई बात करते हैं अपने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। एंड बेसिकली बात करते हैं भाई इंडिया के ओलंपिक्स के बारे में, और भाई काफी एक्सपोज करते हैं ओलंपिक्स को। अरे भाई एक और पोस्ट देखी नुगवे बल्या भारत वर्ल्ड में आबादी में सबसे नंबर वन है पर ओलंपिक में इतने पीछे है। तो भाई तब क्यों घरा बैठे हो खड़े हो, करो ना मेहनत, लियाओ मेडल, किसने रोक रखे हो? दूसरे ने कहना आसान हो मेरे भाई, जिस टाइम तुम गुजड़े पड़ के सो ना उस टाइम भी आदमी पसीना बहाव है। और तुम आबादी की बात करो, आबादी भी थारी जिया ने बता रखी है नंगड़ो। एंड आगे यार भाई विनेश फोगाट को भाई थोड़ा जस्टिस वे में भाई उनको सपोर्ट करते हैं भाई नीरज गोयत। एंड बेसिकली भाई वो भी इनके भाई जस्टिस के बारे में बात करते हैं कि यार भाई इनको एटलीस्ट यार भाई सिल्वर तो मिलना ही चाहिए। एंड वो क्या कहे आप लोग देखो। राम राम दोस्तों, तो जैसे पूरे देश को पता है और पूरे देश के लिए दुख की बात है कि विनेश बेचारी फाइनल में अपना वेट नहीं दे पाई 100 ग्राम से रहेगी। विनेश गोल्ड मेडल जीतती क्योंकि उसने जो दो लड़कियां हराई हैं जापान और क्यूबा की, वो दोनों गोल्ड मेडलिस्ट बनने वाली थी। बेचारी को गोल्ड तो नहीं मिला, अब मैं चाहता हूं कि उसको सिल्वर मिले। मैं नहीं पूरा देश चाहता, तो आप सब लोग इस वीडियो को और गिव विनेश सिल्वर का जो हैशटैग है उसको इतना ज्यादा पहुंचाओ पूरी दुनिया तक पहुंचे कि बेचारे को सिल्वर मेडल तो मिले, अपने देश के पास सिल्वर मेडल तो आए। धन्यवाद। एंड बाकी अगर हम लोग भाई बात कर रहे हैं सिल्वर की, तो अभी के टाइम पे भाई ट्विटर पे जो क्या नंबर वन भाई ट्रेंडिंग चल रहा है यार अभी के टाइम पे भाई वो सिल्वर चल रहा है। एंड बाकी यार चीज काफी शॉकिंग करने वाली है। एंड बाकी इससे आगे भाई अगर कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको भाई बता दूंगा यार तुरंत ही। एंड बाकी इस पर भाई रिएक्ट करते हैं रजत दलाल भी, तो बाकी यार अपने इंस्टाग्राम पे भाई कुछ लिखे होते हैं तो मैं कर भाई पढ़ के बता देता हूँ। मैन वर्सेस वुमेन टॉक अलाउड ऑन ओलंपिक में, जैसा हमने बॉक्सिंग में देखा था, समझ नहीं आता कि वेट ऊपर नीचे हो जाता है, 10 ग्राम भी हो जाता है। ओपोनेंट विनर देखना रनर अप नहीं सेंस करता है। डिस्क्वालिफिकेशन तो कहीं कहीं तक नहीं बनती, ना आज से ना पहले ऐसा कुछ देखना हमने। बाकी हमारी बस में चीज होगी, हम अपने साथ खड़े रहेंगे बहन के। एंड बाकी यार आप लोग भाई इस वाले पूरे मैटर पे क्या सोचते हो। एंड बाकी यार उनके ग्राम वाले भाई सीन पे आप लोग यार बहन को कमेंट बॉक्स में बताना। एंड बाकी यार ये भाई क्या गलत चीज़ है यार फिर सही है आप भाई कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। एंड बाकी यार अगर आप लोग भाई चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब करे बिना मत ही जाना। एंड बाकी आपसे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।